उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे से अपराध के सफाए का दावा करते हैं। प्रदेश में जब से योगी की सरकार बनी है तब से यूपी पुलिस ने अपराधियों और माफियाओं पर काबू पाने के लिए एनकाउंटर, संपत्तियों की जब्ती और कुर्की जैसी कार्रवाई को अंजाम देना तेज कर दिया है। अलग अलग जिलों से पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ की खबरें भी आती रहती हैं। पुलिस के खौफ से बड़े बड़े इनामी बदमाशों की भी थाने में आकर सरेंडर करने की तस्वीरें भी देखी गई हैं। बीते 4 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मामले में यूपी में इतना बदलाव देखा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की माने तो सूबे में हुए सभी एनकाउंटर फर्जी हैं और कानून व्यवस्था बेहद लचर है। उनके मुताबिक सपा सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था काफी बेहतर थी। यूपी में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर हर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत तो आंकड़ों से ही पता चल सकती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव किसके राज में अपराध पर लगाम लग सकी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी सरकार के पिछले 4 सालों में यूपी का क्राइम ग्राफ कैसा रहा। साल 2017 में यूपी में हत्या के 4,324, अपहरण के 19,921, बलात्कार के 4,246, बलात्कार का प्रयास करने के 601, बलवा के 8,990, लूट के 4,089, डकैती के 263 और गंभीर वारदातों के 64,450 मामले दर्ज हुए। वहीं साल 2018 में हत्या के 4,018, अपहरण के 21,711, बलात्कार के 3,946, बलात्कार का प्रयास करने के 661, बलवा के 8,908, लूट के 3,218, डकैती के 144 और गंभीर वारदातों के 65,155 मुकदमे दर्ज किए गए। साल 2019 में हत्या के 3,806, अपहरण के 16,590, बलात्कार के 3,065, बलात्कार का प्रयास करने के 358, बलवा के 5,714, लूट के 2,241, डकैती के 124 और गंभीर वारदातों के 55,519 मामले दर्ज हुए। वहीं अगर 2020 की बात की जाए तो हत्या के 3,468, बलात्कार के 2,317, बलवा के 5,376, लूट के 1,384 और डकैती के 85 मामले कुल दर्ज किए गए। ये तो बात रही योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल की। वहीं अगर इसकी तुलना अखिलेश यादव के कार्यकाल से की जाए तो साल 2016 में जो अपराध हुए इनमें हत्या के 4,889, अपहरण के 15,898, बलात्कार के 4,816, बलात्कार का प्रयास करने के 1,958, बलवा के 8,018, लूट के 4,502, डकैती के 284 और गंभीर वारदातों के 65,090 मामले दर्ज हुए। वहीं साल 2015 में हत्या के 4,732, अपहरण के 11,999, बलात्कार के 3,025, बलात्कार के प्रयास के 422, बलवा के 6,813, लूट के 3,637 और डकैती के 277 मामले दर्ज हुए। वहीं गंभीर वारदातों का आंकड़ा 40,613 तक रहा। साल 2014 में यूपी में हत्या के 5,150, अपहरण के 12,361, बलात्कार के 3,467, बलवा के 6,438, लूट के 3,920, डकैती के 294, गंभीर वारदातों के 41,889 मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2013 में हुए अपराधों की बात की जाए तो हत्या के 5,047, अपहरण के 11,183, बलात्कार के 3,050, बलवा के 6,089, लूट के 3,591, डकैती के 596 और गंभीर वारदातों के 38,779 मामले दर्ज हुए हैं। NCRB के इन आंकड़ों से साफ है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, बल्कि सपा सरकार के शासन में मनमाने तरीके से गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों को अब उनके अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। न्यूज रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।